बुद्धा थे वो रहे किसके साथ? प्रोस्टिट्यूट के साथ, ठीक है। अब देखो अभी तुम्हें देख के तो क्या तुम्हारे मन में क्या विचार है, कुछ गलत कि वो गौतम बुद्ध है प्रोस्टिट्यूट के साथ? क्या लाना है हमें? 3x³ लाना है। 3x तो 3x से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x से मल्टीप्लाई x² तो बार बार मुझसे पूछने क्यों आ रही थी? जब आता है तो ये ना मैं तो करी ये बचा बकवास करेंगे। 3x³ आ गया और यही चाहिए था हमें। तो यहाँ पे मैंने 3x³ लिख दिया और हमने क्या लिया था? 3x। तो यहाँ पे क्या लिख दोगी? 3x लिख दिया। अब इसी नंबर को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे करेंगे ना, तभी तो यहाँ पे सारे नंबर्स के आगे लिखेंगे। तो 3x को 2x से मल्टीप्लाई करो, 3x को मल्टीप्लाई करो, जुगाड़ी हमें साथ साथ में लेके। मैं तुझे कह रही डूबना मेरे दीदी कह रही है ना ये कर दिया। मैंने पहले बोला था ना उसकी बात क्यों सुन रही हो? तुम्हारा दिमाग कहाँ गया? अब दीदी समझाए तो दीदी समझ ले, दिमाग तो जुबान में मेरी तो खराब हो गई। 3x को 2x से मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 = 6x² हां तो यहां क्या लिखोगी? 6x² किसका? प्लस का लिखूं माइनस का लिखूं? प्लस का। अब इसी को मैं इससे करूंगी तो 3x बन जा, क्या हुआ? 3x आया, 3x + 5 + 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 3x + + 5 + + 5 + + 5 + 5 + + 5 + + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5
किसका निशान लगाओ, माइनस का या प्लस का? माइनस। और यहाँ भी तो माइनस का लगेगा ना, यहाँ माइनस का नहीं लगेगा, क्योंकि बढ़ेगा सर। तो ये भी तो यहाँ भी माइनस का निशान, एक्स लिख लो, ये वन एक्स बात बराबर है फाइव, माइनस माइनस किसकी बात हो रही है? नाना की। बेटा यहीं पे अभी फ्रेंडशिप करा दो नाना जी, ला देंगे नाना को। अब नेक्स्ट नंबर हम ऐसा लें कि यहाँ पे 5x² आ जाए, क्या ले वहाँ पर? 5 1 से करेंगे दीदी, 5 1 प्लस कर लूँ या माइनस कर लूँ? प्लस माइनस का, माइनस का 5 लूंगी, तभी तो माइनस 5 को मल्टीप्लाई करूंगी एक्स स्क्वायर से, तो आएगा माइनस 5x² और हमें क्या चाहिए? यही चाहिए हो गया माइनस का 5x² ठीक है, खत्म हो गया, कुछ नहीं आ रहा। माइनस 5x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 5 लिखा मल्टीप्लाई किया 2x, तो 10 माइनस का 10 तुझे माइनस का 10x, यहाँ पे लिख दो माइनस का 10x। अब 5 1 5 निशान किसका लगेगा? माइनस। आगे हो गया, हो गया अभी हो गया। अभी तो ये काटेगा, काटेगा कौन? काट दे, 5 5 कट गया, 5 5 कम कर दे, प्लस में ये प्लस का और ये भी प्लस का, वो काट जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस 10 में से एक एक्स गया, 9 9 9 ठीक है, निशान किसका लगेगा? बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा, प्लस का लगाना जरूरी नहीं है। प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, बच्चे की गलती हो जाती है, 0 आएगा 10। अच्छा हाँ, प्लस किया है, ये वो तुम्हारा आंसर छे पे लगे, कुछ तो समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ आया, कुछ अल्लाह बल्ला कुछ नहीं पढ़ा है, या तो लग रहा है भगवान ही भला करे फिर तुम्हारा, तो राम भला करे, बस ये फर्स्ट वाला समझ में आया 3x वाले कितना आए, एक लड़का है ना कहता है इनसे तो राम ही बचाया, फिर कहेगा हम लोग 3x लिया था। हां 3x के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया, देखो जब तुम पहला जो नंबर लोगे ना उसी नंबर को हम इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते करते एक एक के बाद लिखते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारा आ गया, पड़ोस दिए थाली में, अच्छा फिर जो भी हमने इसको प्लस माइनस किया वो यहाँ आ गया, ठीक है ठीक है। फिर इसके बाद हम ये देखते हैं पहला नंबर, जैसे हमने ये लाए थे ना ऐसे ही पहला नंबर देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्या नंबर ले कि हमारा पहला नंबर आए ताकि वो कट जाए, पहला अंक तुम्हें काटना ही होगा। एक मिनट ये एकदम हटके ले लेते हैं। हाँ तो यहाँ पे हटके क्या लोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगी तब तो ये आएगा, तो इसलिए मैंने 5 लिया था, माइनस का 5 लिया क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का था। हाँ। तो माइनस कर लूंगी तभी तो सेम से आएगा, तभी तो कटेगा ना। एक मिनट मेरे को ना इतना समझ में आया, इतना समझ तो मैं वही तो समझा रही हूँ, तो फिर समझा दो,
फाइव एक्स स्क्वायर का वो देखिए तुम्हारे दिमाग में, मैं क्या समझाई फिर से, तो दोबारा समझा ली, तुम्हारा दिमाग कहाँ गया? तो फाइव ये स्क्वायर कहाँ से आ गया? फाइव एक्स स्क्वायर ये मेरे को दोबारा मत देना। एक्स टू से माइनस का फाइव लिया था, क्यों लिया? अब फाइव माइनस का हमें कैसे पता चला कि ये माइनस का पहले आ गया? देख क्योंकि ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया है ना। तो जैसी हमने इसको प्लस माइनस है सिक्स में से एक एक्स को गया तो फाइव आया। अच्छा अच्छा अब तो कह रही हूँ, अब पहले क्या पहले नहीं समझा था माइनस कैसे करके लाई थी आसमान से? दीदी फिर ये और ये कहाँ चले गया? दीदी अच्छा मैं सोची थी ना यहाँ पे हट लो, सीधी बात समझ ही नहीं आ रही, प्यार से समझा दी सर पे छोड़ रही थी। मेरी कॉपी में उतारे मेरी कॉपी पे कर ले रही है। अभी जल्दी करो ऐसे क्वेश्चन दूंगी। जो खाद होता है वे मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ होते हैं। सबसे मेन देखो जो खाद होता है ना वो हमारा नेचुरली बनता है। नेचुरली कैसे बना? जैसे मान लो हमने केला खाया और छिलका हमने क्या कर दिया उसको मिट्टी पे डाल दिया, वो अपने आप उसमें खाद में परिवर्तित हो जाएगा। चाय पत्ती हम चाय पीते हैं, चाय को हम क्या करते हैं पत्ती को जो उसमें निकलता है ना पत्ती छान के उसको धो के पानी से और उसको धूप में सुखा दो और जो पौधा तुम घर में लगाओगे ना उसकी मिट्टी में डालो वो पौधा बहुत अच्छा होगा। हम ये करते हैं तो किया करो तो वो भी क्या बन गया? एक नेचुरल खाद बन गया, प्राकृतिक खाद बन गया। ठीक है खाद सस्ती होती है और जो उर्वरक होता है वो महंगा होता है। पहला क्या डिफरेंस बताइए? वो नेचुरली होता है, उर्वरक जो खाद होता है वो प्राकृतिक, और जो उर्वरक होता है वो फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, वो अपने आप नहीं बन जाता, उसको क्या किया जाता है? फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। अच्छा ये प्राकृतिक पदार्थ के बने होते हैं। खाद में कम मात्रा में पोषक तत्व होता है। अब देखो जो चीज में केमिकल वगैरह मिला रहे हैं है ना, केमिकल डाल के बना रहे तो कैसा होगा? ज्यादा उसमें तो पोषक तत्व होगा ही है ना, जो कंपनी में बनाए जा रहे हैं और जो ज्यादा बंद करके उतार लो अपने आप मन में समझ लो। बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, तो इसीलिए उसमें क्या होता है ज्यादा उर्वरक पोषक तत्व, उर्वरक में ज्यादा पोषक तत्व पाया जाता है किसके तुलना में? खाद के तुलना में। खाद में कम पोषक तत्व पाया जाता है क्योंकि वो प्रकृति के, हमने केला छिलका, छिलके में क्या होगा? कुछ नहीं, जो नेचुरली है वो उसमें खाद बन गया, उसमें ज्यादा पोषक तत्व क्योंकि मेन जो पोषक तत्व था वो तो हमने खा लिया। ठीक है तो इसलिए उसमें ज्यादा पोषक तत्व नहीं पाया जाएगा। केले का छिलका हो गया, आलू को तुमने छीला उसको इकट्ठा कर दिया, मटर वगैरह का छिलका हुआ वगैरह हुआ, कोई भी चीज का जो हमारी सब्जी वगैरह होता है सड़ भी जाता है उसको तुम इकट्ठा करो मिट्टी में डाल दो क्या बन जाएगा? कौन सा खाद? नेचुरली जो उर्वरक है जो फैक्ट्री में बनाया है तो एक्स बचा, इसका वन नहीं लिखते क्या हुआ? दे और जिसको बनाने में उनका भी तो पैसा लग रहा है तो महंगा बेचेंगे, तो इसलिए जो खाद होता है वो सस्ता होता है, उर्वरक महंगा होता है। ये इसको दीदी ने इससे मल्टीप्लाई किया था ना तो ये आ गया था। फिर खाद धीरे धीरे पौधों द्वारा अवशोषित की जाती है क्योंकि ये पानी में अघुलनशील होती है। मतलब जो खाद है वो कैसा होता है? पानी में अघुलनशील। जैसे कि मान लो जो केले का छिलका है उसको तुम पानी में डाल दोगे या फिर मिट्टी में, वो जल्दी से मिक्स हो जाएगा? नहीं होगा। जो उर्वरक होता है वो क्या होगा? वो घुल जाता है, वो दवा की तरह होगा ना, वो तो पहले से एकदम मतलब डालते ही वो क्या हो जाएगा, उसमें विलीन हो जाएगा मिट्टी वगैरह में, तो वो जल्दी अवशोषित कर पाएगा, लेकिन जो खाद है उसको वो जल्दी से अवशोषित नहीं कर पाएगा। अब मान लो चाय पत्ती को तुमने मिट्टी में डाला तो वो जल्दी से थोड़ी ना उसमें घुल जाएगा, मिक्स नहीं हो जाएगा एकदम उतना जल्दी, कुछ समय लगेगा। तो यही बोल रहा है कि जल्दी अवशोषित कर लेता है उसको उर्वरक को, और खाद को जल्दी अवशोषित नहीं कर पाता, मतलब घुलनशील नहीं होता खाद। बैठ जाओ इस ये वाला चेंज नहीं देखते, इसको इसको देखते हैं कौन सा? जब चेंज करते हैं ना तो सिर्फ इसको देखते हैं। माइनस है प्लस कर दिए, माइनस है प्लस कर दिए, माइनस है प्लस कर दिए। दीदी मेरे को ना कुछ समझ नहीं आया। कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं समझ आया आपको? पेन दो। नहीं कॉन्ग्रेचुलेशन समझ गया।
कंग्रेचुलेशन मुझे अपने पाल दे पकड़ो याद हो गया समझ आ गया अपने आप लिख लो इक्वल टेस्ट हाथ उधर रख में और टू से करेगा दीवार तो आ जाएगा लड़की लड़की एम मीन्स क्या किया जो मैं एक लड़की दीदी मैं बता रही हूँ होता है बड़ा मैं बड़ी ऐसे याद कर लो ठीक है आई मीन्स मैं ये याद कर क्या है क्यों आगे थ्री ठीक है तुमने अच्छा आई मीन्स जैसे कि एक ये और इसके ऊपर ठीक है एप्पल मीन्स हाँ मैंगो मीन्स एक्स है इसको इससे मल्टीप्लाई किया सिक्स एक्स आएगा सिक्स एक्स मैंगो मीन्स टू एक्स को ऑरेंज इतना बोलने के बाद जो तुम लोग को समझ आ जाएगा ना एक दूसरे से बात कर रहे हो तो मेरे पास कुछ नहीं मत आना तुम लोग तुम्हारे क्या एक तो एक से लेके बीस तक और एक से लेके बीस तक का स्क्वायर कम से कम बीस तक बता दो स्क्वायर कम से कम स्क्वायर याद ही नहीं 19 का स्क्वायर क्या है 19 का बड़ा 19 बार हाँ क्यूब कैसे करते हैं क्यों उसको तीन बार करेंगे कल ही तो मैंने उन लोगों को बताया बता लिया तीन का क्यूब रखो तीन का दीदी जैसे 19 का मैं बता रही हूँ स्क्वायर निकालना ट्रिक बता रही हूँ 19 से ये 19 दे रखा है 19 का स्क्वायर होता है तो एक का ये लिखते हैं 9 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा 9 9 81 और इन तीनों को ना मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 9 × 2 9 × 2 = 18 इसको ना इसमें प्लस कर देते हैं 10 तक तो याद ही है तुम लोगों को 12 का बताओ 12 का स्क्वायर 12 कैसे 142 चार क्यों लिखा था दीदी आपको कितना लिखी हो 625 25 कर रही हो ये 5 है किरण 25 का तुम स्क्वायर करना है मल्टीप्लाई करने में मर जाओगे और ये मैं ट्रिक से दे दिया दीदी 25 दीदी ट्रिक बताना एक बार प्लीज हां एक बार बता दो ट्रिक मैं दीदी एक बार बता दो ट्राई कर लेते हैं बेटा यही है तुम्हें तो लगा कि 19 का मल्टीप्लाई कर ले लेकिन जानते हो ना 1 से 99 तक है नंबर उसमें तुम स्क्वायर करने में तुम्हारी ऐसे तैसे हो जाएगी मान लो 53 का मैंने 53 का स्क्वायर दे दिया 25 तीन किया 25 कहाँ से आ गया 5 का 12 पड़ेगी 25 तीन दो पाँच 15 15 दूनी जीरो पाँच से लग गया बीच 30 में 9 0 5 3 8 2 2 28 अरे दीदी समझ नहीं आया इसका स्क्वायर किया इसका भी स्क्वायर किया फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो दीदी तीन दो 12 तीन दो 12 तो खाली 9 आएगा तो मल्टीप्लाई किया वो यहां 30 आया 30 आया एक नंबर छोड़ के यहां ऐड कर देते उस नंबर को अच्छा
दीदी एक नंबर देना अपने तरफ से। देखो भगवान बुद्ध के बारे में कौन कौन जानता है? बंद कर दो सब। मैं जानता हूँ। बताओ थोड़ा सा तुम बताओ। बुद्ध और जैन के बारे में। हाँ बुद्ध कौन थे? गौतम बुद्ध कौन थे? जी गौतम बुद्ध कौन थे? वो था कौन थे जी नहीं पता, पर क्या करते हैं इनका गौतम बुद्ध दीदी जी उनके बारे में जानते हो? उनका जन्म कहाँ हुआ? सही से याद नहीं, सिक्स में पढ़ा था मैंने, शायद बिहार में किसी पेड़ के नीचे। हाँ देखो क्या हो ना, जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के माता पिता के बारे में, पहले उनकी माता का नाम था महामाया, महामाया नाम था उनकी माता का नाम। तो वो क्या, जब वो प्रेग्नेंट थी, जब वो जा रही, उन्होंने कहा ना अपने पति से कि मुझे अपने गांव जाना है लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। ठीक है, उनको बिहार से नेपाल जाना था। हाँ, उन्हें नेपाल जाना था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ भाई। वो डोली वगैरह में सच के धज के अच्छे से जा रही थी, तो रास्ते में ही ना उनको बहुत तेज से दर्द उठा और एक पेड़ के नीचे उन्होंने जन्म दिया गौतम बुद्ध को। ठीक है, और जब वो वहाँ अपने फिर वापस महल में गए, मतलब कुछ समय बाद महल में गए, तो वहाँ पे उनको एक जो पंडित मिला ना, पूछा उसका भविष्यवाणी, भविष्यवाणी करवाया। महल था, मतलब उस टाइम महल राजा राजा रहते थे। हाँ राजा थे ना, गौतम बुद्ध के जो पिता थे वो राजा थे। ठीक है, तो उन्होंने पंडित को बुलाया और भविष्यवाणी करवाया सिद्धार्थ का, जो सिद्धार्थ नाम था बचपन का, तो गौतम बुद्ध का। तो जो पंडित है ना, उसने बताया कि जो गौतम बुद्ध हैं वो बड़े होकर या तो सन्यासी बन जाएंगे या तो बहुत बड़े सम्राट बनेंगे। ठीक है, तो राजा सोच में पड़ गए कि मैं इतना राजा महाराजा हूँ और मेरा बेटा सन्यासी बन जाए तो फिर वो अच्छा होगा। सन्यासी का मतलब समझते हो? क्या होता है सन्यास? क्या होता है सन्यास? मतलब दुनिया से कोई मतलब नहीं है, भिक्षा मांग के जो मिलेगा खाएंगे, रहेंगे अकेला जीवन। तो उनके पिता ने क्या कर दिया, 16 साल की आयु में उनकी शादी करवा दी कि शादी करवा दूंगा तो अब ये तो कुछ कर नहीं पाएगा, बाहर आ नहीं जाएगा, त्याग नहीं पाएगा घर को। तो और बहुत सुंदर सी लड़की से शादी करवा दिया। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ना एक दिन महाराजा जो थे वो बाहर गए थे कहीं घूमने, तो जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने भी कहा कि मैं भी दुनिया देखना चाहता हूँ। जो उनके पिता थे उनको महल के ही अंदर रखते थे कैद करके, एक तरह से बोल सकते हो, कहीं बाहर का दुनिया उन्होंने देखा ही नहीं था, उसको जितना महाराजा था। हाँ, ताकि वो बाहर का दुनिया देखे तो फिर उनको कोई दुख पीड़ा का नजर आए तो फिर वो भी उसी रास्ते में न चले जाए। तो फिर उनको घर में बन के रखते थे। तो महाराजा जब बाहर गए ना उनके पिता गौतम बुद्ध के, तो गौतम बुद्ध ने कहा ना कि अपने साथी से, साथी से जानते हो जो घोड़े को चलाता है, रथ को चलाने वाला, तो कहा ना कि अपने साथी से कि मुझे ले चलो घूमने के लिए। और फिर अपने पिता से लिया था परमिशन कि मैं जा रहा हूँ, फिर आ जाऊँगा लौट कर कुछ देर में घूम कर। कहा ठीक है भाई चले जाना। वो गए तो जब पहले रास्ते में निकले ना, सबसे पहला एक बीमार व्यक्ति मिला जो बहुत देर थे खांसी उसको हो रही थी। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने अपने साथी से पूछा कि ये कौन है और ये क्या कर रहा है? तो उसने कहा ना कि इसकी तबीयत बहुत बुरी तरीके से ख़राब है, बहुत बुरी तरीके से उसका तबीयत ख़राब है। तो उसने कहा कि मतलब मेरा भी तबीयत ख़राब हो जाएगा? तो उसने कहा हाँ क्यों नहीं होगा। फिर थोड़ा देर आगे, फिर थोड़ा आगे चले तो फिर उन्होंने ना एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति को देखा, बहुत बूढ़ा व्यक्ति था। तो कहा कि ये कौन है, ये ऐसा क्यों हो गया है? गौतम बुद्ध ने कहा ये ऐसा क्यों हो गया है? तो फिर उन्होंने कहा, साथी ने कहा ये बूढ़ा हो गया, अब इसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। तो फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं भी ऐसा हो जाऊँगा। तो क्या उन्होंने कहा कि हाँ आप भी ऐसे हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे। तो फिर थोड़ा आगे गए तो फिर ना एक लाश चीता पे लिटा के राम नाम सत्य करते करते जा रहे थे। तो गौतम बुद्ध ने पूछा ये इसको लिटा के कहाँ ले जा रहे तब उन्होंने कहा साथी ने कि ये इसका देहांत हो गया, अभी स्वर्गवास हो गया। तो उन्होंने कहा कि तो फिर मैं भी एक दिन मर जाऊँगा? तो उन्होंने कहा हाँ आप भी मर जाओगे एक दिन। फिर थोड़ा आगे गए ना तो एक सन्यासी बाबा मिले, पेड़ के नीचे बैठ के अपने नींद हुए थे, साधना उसमें क्या बोलते हैं तपस्या में लीन थे। तो उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं? तो साथी ने कहा कि वो अपनी ये वो जानते हैं कि ये सारे सुख दुख हमारे जीवन में है और कुछ ना हमें ना हम कुछ लेके आए हैं और ना कुछ लेकर जाएंगे, तो इसीलिए वो अपना तपस्या में लीन है कि उससे उनको शक्ति प्राप्त होगी। तो उन्होंने सोचा कि वहाँ से वो घर वापस चले गए। घर जाने के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं भी क्या करना चाहता हूँ, वहाँ से वो घर से निकल गए। उसी वक्त वो जब घर से बाहर निकले, बताए निकले थे ना? हाँ निकल, नहीं नहीं बता के निकले थे पत्नी वगैरह सबसे।
और उनकी हाँ जब वो छोटे बच्चे थे ना, बात बताना ही भूल गई, जब छोटे थे एकदम बचपन में ही उनकी मम्मी जब जन्म दिया ना उनकी मम्मी ने, उनका देहांत हो गया था, तो जो जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध थे उनका लालन पालन उनकी मौसी ने किया था। उनका नाम क्या था पता है? गौतमी। ठीक है, मौसी का नाम था गौतमी और उन्होंने उसका लालन पालन किया, बड़ा किया उनको पाल पोष कर। ठीक है, उनकी दूसरी माता भी बोल सकते हो, मौसी भी बोल सकते हो। ठीक है, अब वो गौतम बुद्ध के बारे में जान गए कौन थे, वो तपस्या करके समझ गए तुम लोग। तो व्हेन बुद्धा रिफ्यूज्ड फॉर गिव, जब वो दोनों उनको शक्ति व्यक्ति प्राप्त हो गया ना, तब उसकी बात की कहानी बता रही थी। एक बार जब बुद्ध गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उसने क्या मांगा, माफी। फॉरगिव का मतलब क्या होता है? माफी। माफी मांगा तो गौतम बुद्ध ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें माफी नहीं दूंगा। अब सुनो क्या हुआ था, सबसे पहले से स्टार्टिंग से कहा। तो गौतम बुद्ध ना एक बार गए थे खाना खाने के लिए, किसी ने बुलाया था, बहुत बड़े राजा थे, सेठ मान सकते हो, सेठ था कोई, उसकी पत्नी ने खाने पे बुला के उसको खाना खिला दी थी और सेठ को पता नहीं था। सेठ बीच में चला गया, अभी वो गौतम बुद्ध खाना खा ही रहे थे कि वो सेठ चला गया। वो बहुत गुस्सा हो गया कि मेरे खाना खाने से पहले और इसको तुम खाना क्यों खिलाने लगी, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और अपनी पत्नी को भी डांटा और उसको उठाया, गौतम बुद्ध को उठाया और बोले कि तेरी इतनी औकात, तू इतना भीख मांगा है, कटोरे की भीख मांगता है, मेरे घर में आके तू ऐसे बैठ के और मेरे सामने खाना खा रहा है। तो वो स्माइल किए, जब स्माइल करके थोड़ा आगे निकल गए। तो किसी में भी अगर तुम चिल्ला रहे हो और वो बंदा स्माइल कर दे तो तुम्हें थोड़ा सा लगेगा ना कि इसने तुम्हें बेइज्जती कर दी। तो वो जो सेठ था वो उसको बहुत गुस्सा आ गया कि देखो मैंने इसको इतना कुछ बोला, इसने कुछ नहीं बोला। वो दौड़ के फिर आगे गया और आगे जाके और गौतम बुद्ध के ना उसने मुँह पे थूक दिया। सोचो कितना गलत किया उसने, थूक दिया। फिर से उसने जो गौतम बुद्ध अपने चेहरे को साफ किए और फिर आगे चले गए। तो फिर वो जो सेठ था वो और ज़्यादा सोचने लगा कि मैंने इसको इतना गंदा बुरा भला बोला, इसके फेस पे थूक भी दिया और फिर भी ये इतने आराम से निकल गया। फिर वो रात में जब सोए ना, उसको रात भर नींद नहीं आई सेठ को, तो उसकी पत्नी ने कहा कि वो बहुत बड़े महात्मा थे और तुमने उसके साथ बहुत गलत किया उनके साथ। तो फिर वो सुबह सुबह उठे, जो सेठ था गया, जब जो गौतम बुद्ध थे अपने शिष्य को बैठ के और बहुत सारे प्रवचन दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, ज्ञान की बातें बता रहे थे, सेठ बीच में गया और जाके माफ़ी मांगने लगा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था आप इतने बड़े संत हैं और मेरे से गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं माफ़ी नहीं दूंगा। तो सारे शिष्य जो बैठे थे उन्होंने कहा कि यार बड़े बड़े लोगों को तो ये माफ़ कर देते हैं, अच्छे सबको माफ़ कर देते हैं, माफ़ी देना भी बड़प्पन है। तो सब कहने लगे कि क्यों नहीं माफ़ी दे जल्दी उनको। तो फिर जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने कहा कि मैं, वो कल की बात थी और मैं आज के दिन में जी रहा हूँ कि कल की बात बीत गई, जब मुझे याद ही नहीं है कि कल क्या हुआ था, तो माफ़ी किस बात की, मुझे तुम्हारी गलती याद नहीं कि तुमने क्या गलती किया, तो माफ़ी भी मैं कैसे दूँ। तो इससे क्या समझे बताओ, इस कहानी बीते हुए घटना को भूल जाओगे, पीछे के समय को भूलते जाओ, जो आगे आ रहा है, जो चल रहा है उसमें जीना चाहिए और जमाने के साथ बदलना चाहिए। और एक तो किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए दीदी, घमंड नहीं करना चाहिए। नहीं दीदी, हमने जिस समय में जो काम किया है उसी समय में वो काम करना चाहिए दीदी, अपने आप को आज का काम आज कल का काम कर। मतलब शिक्षा तुम लोगों ने सारी बता दी सही है कि जो हमें समय के साथ बदलते रहना चाहिए, नहीं बदलोगे तो क्या होगा, तुम्हें ही पीड़ा होगी। ऐसे रुको इसी मतलब मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ शिक्षा। दूसरी इस कहानी की जो मेन तुमने बता दिया कि जो बीत गया अब उसको लेके चलते रहोगे तो तुम्हारा आज का भी दिन जो है वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए जो पीछे बीत चुका उसको आगे लेके जाओ, हर एक दिन नया जीवन जियो। ठीक है, नेक्स्ट। मैंने भी वही कहा था। दूसरे, When Buddha stayed with a prostitute, बस इसका हिंदी पहले बता दो मुझे। When Buddha stayed with a prostitute, कुछ समझे? दीदी, prostitute मतलब मान लो इसका मतलब नहीं समझे। जो बुद्ध थे कब stayed मतलब रह गए? दीदी, जो बुद्ध थे वो कहाँ? चलेंगे। कहाँ stay मतलब रहते थे? हाँ, रहना सही पकड़ा। When Buddha stayed with a prostitute, जब बुद्धा एक prostitute के साथ रहे। prostitute का मतलब होता है वैश्या। वैश्या जानते हो?
विक्षा शुद्ध हिंदी बताओ। वैश्या शुद्ध हिंदी ही है, जो गलत और मतलब गलत क्या बोले, जो अपनी जीविका चलाने के लिए प्रोस्टिट्यूट बोल रही हूँ, जो अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ गलत रास्ते पे जाती है, मतलब जब पैसे कमाने के लिए गलत रास्ते पे गए। हाँ गलत काम मतलब, अरे दूसरा कोई आदमी उनके साथ रहते हाँ। देख के तो क्या तुम्हारे मन में क्या विचार है, कुछ गलत कि वो गौतम बुद्ध प्रोस्टिट्यूट के साथ रहे, आया ना गलत। अब कहानी में देखो, कहानी के अंदर जाओ, जो एक बार गौतम बुद्ध थे ना एक गाँव में, देखो जो गौतम बुद्ध थे वो पूरे झुंड के साथ रहते थे, बहुत सारे कम से कम 50 शिष्य उनके साथ रहते थे, और वो जिस गांव में जाएंगे उनके साथ साथ वो शिष्य भी जाते थे। हाँ तो सारे क्या करेंगे, वो सारे भिक्षा मांगेंगे और एक ही गांव से वो सारे खाएंगे, तो 3 दिन से ज्यादा गौतम बुद्ध एक गाँव में नहीं रहते थे, ठीक है, एक गाँव में 3 दिन से ज्यादा गौतम बुद्ध नहीं रहते थे। क्यों, अगर दीदी कोई भिखारी हो जाए हाथ मांगने आया हम थोड़ी ना उसे देंगे। नहीं वो भिखारी नहीं है ना। अरे नहीं दीदी, मतलब मांगने वाले ही है ना, मांग के खाते हैं ना, तो दीदी सब रोज थोड़ी ना देंगे। गांव वालों पे ना ज्यादा बोझ ना है, इसीलिए वो 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकते। तो इसी तरह ना एक गाँव को छोड़ के दूसरे गाँव में गए वो लोग, ठीक है, तो उनका स्वागत करने के लिए पूरे गाँव वाले इकट्ठा हुए थे, ठीक है। गौतम बुद्ध छोटे से हस्ती थोड़ी थे, बहुत बड़े हस्ती थे, तो बहुत पूरे गाँव वाले लोग इकट्ठा हुए थे। तो वहीं पे ना एक प्रोस्टिट्यूट भी आई, मतलब तो समझ गए, प्रोस्टिट्यूट आई और उन्होंने गौतम बुद्ध से कहा कि प्लीज आप मेरे घर पे चलिए, मैं आपको बहुत अच्छे से भोजन कराऊंगी, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जब वो इतनी विनती कर रही, बहुत सुंदर थी जो प्रोस्टिट्यूट थी ना, बहुत सुंदर थी, तो उन्होंने कहा कि जब वो इतनी विनती कर रही तो मैं जाऊँगा। तो सारे जो गाँव के लोग थे ना वो बहुत ज्यादा चौंक गए, ये क्या हो गया, ये तो जो औरत है बहुत गंदी है, उसके साथ गौतम बुद्ध जाएंगे उनका क्या, मतलब कोई धर्म ही नहीं रह जाएगा तब तो, मतलब ऐसा बोला जाता है कि कोई वहाँ चला गया तो वो गंदा हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि गौतम बुद्ध जब चले जाएंगे उनके साथ तो उनका तो कोई धर्म ही नहीं रह जाएगा। लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा कि जब मुझे उसके जो मन में जो है ना उसके उसके भाव वो मैं देख रहा हूँ, उसके अंग से मुझे क्या लेने देना कि वो क्या कर रही है क्या करती है, उससे मुझे तो कोई मतलब नहीं। तो फिर गौतम बुद्ध उसके साथ चले गए खाना खाने के लिए। अब पूरे गांव वाले ना प्रोस्टिट्यूट के घर के आगे पूरा घेरा लगा के खड़े थे कि क्या क्या होने वाला है। अब वो गए वहाँ पे, प्रोस्टिट्यूट ने उनको खाना खिलाया, कपड़े उनके गीले हो गए थे वो गौतम बुद्ध के, तो उन्होंने दूसरा जो प्रोस्टिट्यूट थी उसने दूसरा कपड़ा पहन उनको दिया बस चेंज करने के लिए, उन्होंने पहना खाना खाया और रात में सोए भी उसी के घर में, प्रोस्टिट्यूट के घर में, वो उनको बिस्तर वगैरह लगा के दी, वो अपने जाके किसी और जगह जाके सोए। और पूरे गांव वाले पूरे दिन वो प्रोस्टिट्यूट के घर के आगे खड़े रहे कि क्या होने वाला है, जब अगले दिन वहां से निकलेंगे गौतम बुद्धा वो निकलेंगे तो किस हालात में होंगे, उनके कपड़े कैसे होंगे, 50 शिष्य क्या वो सब दूसरे दूसरे घर में, एक ही घर से थोड़ी खाएंगे, अलग अलग घर से खाएंगे ना, तो सारे अलग अलग घर से खाने चले गए। तो इसलिए सारे खड़े थे कि वो अंदर से किस माहौल में निकलेंगे बताओ, मतलब उनकी सोच देखो। अब वो सारे खड़े हैं आके फार्मी किया, अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। मॉर्निंग हुआ द गेट खुला, गौतम बुद्ध आए एकदम अच्छे से कपड़े में अपना, वही जो उनका वेशभूषा था उसमें। अब वो सोच रहे कि अब वो भी आएगी अंदर से प्रोस्टिट्यूट भी, वो कैसी होगी, वो ध्यान से देख रहे हैं कि प्रोस्टिट्यूट आएगी। प्रोस्टिट्यूट जानते किस, पहले तो कैसी थी प्रोस्टिट्यूट जो होती है वो बहुत गंदे कपड़े पहनती है, पहले तो उसने बहुत बेकार कपड़े पहने थे, और जब गौतम बुद्ध निकले उनके पीछे जब वो निकली ना जाए तो कैसे कपड़े में निकली, जो साधु संत वाले कपड़े होते हैं ना गेरुआ रंग, पता था गेरुआ रंग का कपड़ा पहनी थी और उसने बाल पूरे अपने मुंडवा दिए थे, पूरे पूरा बाल मुंडवा दिया घूंघट में, इतना मतलब घूंघट करके अंदर से निकली। तो सारे गाँव वालों ने बोला ये क्या हो गया, तो गौतम बुद्ध ने कहा कि मुझे उससे कोई वो नहीं था कि मेरी जो शक्ति थी ना, मेरे विचार थे, मेरे विचार उसके विचार पे भारी पड़ गए, तब तो बदल गई। अब इस कहानी से बताओ तुम लोग क्या समझे, क्या सीखे, ये थोड़ा बहुत ज्यादा अंदर से मीनिंग निकलेगा। क्या
पहला, जिसके साथ रहोगे वैसा बन जाओगे, ठीक है। हाँ, संगति का ले सकते हो, संगति का, ठीक है। लेकिन ये है कि अब मान लो जो प्रोस्टिट्यूट थी वो तो गलत थी, तो क्या गौतम बुद्ध भी गलत बन गए? नहीं, नहीं, नहीं। मतलब अच्छाई का ज्यादा वजन होगा ना तो जो बुराई है हो जाएगा। हाँ, अच्छाई का अगर वजन ज्यादा हो तो जो बुराई है ना वो भी अच्छाई में ढल जाएगी। वो नेचर पे बस करता है कि नेचर कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए गौतम बुद्ध कैसे गौतम बुद्ध की तरह बन गई प्रोस्टिट्यूट, वो भी उनके ग्रुप में शामिल हो गई, वो भी अब वैसा दिनचर्या करने लगी। समझ आया? संगति का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ये था इसमें, और कहानियां तो बहुत सारी सुनी थी। और कितना सुना, टाइम कितना हो गया? कितने आराम से सुन रहे हैं। मूवी देखनी है ना तुम लोगों, देखना बॉस मूवी, देखना बॉस मूवी देखोगे ना तुम्हें इतना सारा उसमें जानकारी मिलेगा, पहले का तुम्हारे बुक भी उतना जानकारी नहीं देगा। बॉस मूवी देखना, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का दे रखा है। और फिर एक तुम्हारा दे रखा है गांधी, कहाँ से आप बता दें उनके बारे में? गांधी जी बता दें, देखो इसमें गांधी जी वाली मूवी में उसमें दे रखा था कि गांधी जी की हत्या कैसे हुई थी। जो नाथुराम गोडसे था ना, जो उनको मारने से पहले, गांधी जी को मारने से पहले ना उनका आशीर्वाद दिया था। क्यों लिया था? उनको पता था कि जो गांधी जी है ना बहुत बड़े महान हस्ती है, वो छोटे मोटे, और वो जो गांधी वो थे नाथुराम गोडसे, जानते कौन थे? उनका बॉडीगार्ड था। बता के ले रहे, नाथुराम गोडसे उनका बॉडीगार्ड था, आशीर्वाद लिया और जैसे ही उठाना उनको गोली मार दिया। क्यों मारा था पता है? हाँ, पता है, पता है। हिंदू ने कहा ना कि 20,000 मुसलमानों को यहाँ से लेकर जाना होगा पाकिस्तान में, जो भी हो ऐसे, ठीक है। मुझे याद भी नहीं, जम्मू कश्मीर का जो ये भाग है ना, ये चीज जम्मू कश्मीर तो ऐसा है पूरा, तो हम क्या, हम तो लेते हैं कि पूरा हमारा इंडिया का है, भारत का है। लेकिन ये चीज पाकिस्तान ने POK के नाम से जानते हैं इसको, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान द्वारा ये कब्जा किया हुआ है। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये किसने ले लिया? पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। इधर का जो हिस्सा है वो चीन ने ऑक्यूपाई कर रखा है। यहाँ पे ये चीन वालों ने, यहाँ चीन है ना इधर, तो चीन का, और इधर है ताई, वो क्या बोलते हैं यार, तिब्बत, तिब्बत, ठीक है। तिब्बत पहले उनका नहीं था, चीन वालों का नहीं था, तिब्बत एक अलग सा देश था, चीन वालों ने इस पे कब्जा कर लिया। अब चीन जो है ना, चीन क्या बोलता है, ये मेरा हथेली है, चीन बोलता है कि ये मेरा हथेली है और इसके पांच उंगलियां हैं, जानते कौन कौन सा? एक उंगली कश्मीर पकड़ लिया उसने, ठीक है। दूसरा बोलता है नेपाल को, तो याद ही कौन है जनसंख्या में, चीन। अब इंडिया आ गया दीदी, बस गिनती हो जाता, वैसे तो चीन ही है। चीन नंबर वन पे है, सेकंड नंबर पे भारत है, और थर्ड नंबर पे अमेरिका। अमेरिका आबादी में, आबादी में, आबादी में तीसरे नंबर पे अमेरिका है। हाँ, पहले पे है चाइना, आप दूसरे पे आ चुका है, पर ना गिनती हो जाए तो पहले नंबर पे चीन है, पता चलेगा रियलिटी में हमारे भारत के लिए ना, तेरे अंदर जागेगा कि हाँ हमारा रियल में भारत है क्या, और भारत के साथ दूसरे देशों का क्या संबंध है, और कैसे बिहेव करना चाहिए, हमारा कौन हमारा भारत में दिमाग में बहुत ज्यादा तेज है, दिमागदार में बहुत तेज है ये नेता जो है ना, नेता काले काले हैं जो दीदी, नेता को लात मार पतले से हैं, सब नेता बिगाड़ के रख दिए, अनपढ़ गवार पहुंच जाते पहले नेता को ना लात मार पता दीदी जो बोलते हैं ना, इंडिया तरक्की बहुत तेज है, इंडिया का ना सबसे बेकार मुझे लगता है ना अनपढ़ गवार, ये जो नेता होते हैं इतने ऊपर पहुंच जाते हैं, और इतने बिजा ये पढ़ लिखे आई एस ऑफिसर IPS ऑफिसर, तो वो जाके उनके कदमों में वो दीदी गिरते हैं, बताओ वो दीदी पता ना दम तोड़ देते हैं, इतने पढ़े लिखे बेचारे दीदी, वो देखो दीदी बताओ प्रधानमंत्री को दीदी IAS ऑफिसर है ना, वो सोचते हैं कि ये नेता इतने ऊपर पहुंचे हैं और ये दलाली कर रहे, ये सब कर रहे, तो हम क्यों पढ़ लिख के हम यहाँ पे क्यों बैठे, हम भी दलाली करेंगे, इसलिए करते हैं, पैसे भी लेते हैं, उनको देख के नीचे वाले ऑफिसर भी ऐसे करते हैं, इसी चक्कर में घुसखोरी चल रही है इंडिया में।
दीदी जो बोलते हैं नहीं बहुत तेजी से आगे बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ता है, बस गवर्नमेंट दिखाती है एक बार। हाँ, ये तो बहुत सही बोल रहा है। अपने अपने बुरा छोड़ने पर इंडिया इतना पीछे, बस दिखा रही है कितना तेजी से इंडिया आगे बढ़ रहा है, कुछ नहीं बढ़ रहा। कहाँ तेजी से बढ़ा है, जीडीपी देखियो जरा, 1% आधा परसेंट पॉइंट 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 जीरो जीरो पॉइंट 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 परसेंट आगे बढ़ गई, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बढ़ रही है, सब नेता और गिराएगा। अपने जेब में बांट लेते हैं सब। और कल तुम्हें 22 की 22 भाषाएं याद होनी चाहिए, बुक में दे रखा है। ओ भाई, भाषा से आप क्या समझते हो? भाषा से आप क्या समझते हो? क्या समझते हो? इनके प्रकार बताइए। देखो मतलब भाषा के प्रकार बताइए। पढ़े लिखे आदमी कब बनेगा? अभी तो नहीं बन पाएगा, 10-15 साल बाद ही बनेगा। क्वेश्चन, संविधान में ये मैं करा चुकी हूँ तुम लोगों को चैप्टर, इसलिए क्वेश्चन डायरेक्ट दे रही हूँ। दीदी अभी संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? प्राप्त है और कौन कौन सी, कौन कौन सी? तुम्हारी बुक में तो यही रखा है, बताओ। ये मैं पढ़ी हूँ, तुम्हारी बुक में भी यही दे रखा है भाषा का। देखो भाषा कौन कौन सी मैं बता रही हूँ, एकदम ध्यान से सुन लेना, मैं जल्दी बोलूंगी। दीदी इसमें क्या लिखना है, भाषा से आप क्या समझते हैं? भाषा क्या है? वो आलोक था तभी मैंने कराया था। कश्मीरी, कश्मीरी हाँ, लिखना नहीं है, लिख ली, बस मैं सुनो। पॉलिटिक्स में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है। आई एम इकोनॉमिक। दो मिनट जी, कमियां तो बता दो, कमियां तो बता दो। दीदी वन मिनट दीदी, अनिल कपूर जैसे लोग खड़े हुए होते हैं। हां तुम मुझे की जाओ बताओ, नायक मान का अगर ना देखो, मैं अगर जल्दी जाई पड़े पौधे तक पहुंची तो बहुत सारी चीजें जो बदलने की कोशिश करूंगी। पहले तो कहानी सुना दो। मैं तो दो ही बार लिखा है भाई, सही बात। कहानी सुना दो, दो कहानी सुना दो। आपके यहाँ से कहानी है तो कहानी बहुत गंदी है। पहले कहानी सुना दो ना, साथ कर रहा है, दिमाग कर रही हूँ, सुना दो। लास्ट स्टार्ट हो गया।